नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश महासचिव महेंद्र मिश्रा, कोल्हान प्रभारी राणा सिंह, उपाध्यक्ष सुशील सिंह, सुनील सिंह, अध्यक्ष के पी तिवारी द्वारा चांडिल प्रखंड के आसनवनी पंचायत के मोटेल हाईवे होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई नए सदस्यों ने इंटक के माध्यम से कांग्रेस का हाथ थामा। सैकड़ों मजदूरों की उपस्थिति में प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इंटक झारखंड प्रदेश महासचिव महेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। मजदूरों की सहमति से प्रखंड स्तर के सभी मजदूरों की समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए गुरुचरण कर्मकार को चांडिल प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर सरवर आलम, मौसिन आलम, अशोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष जीपालाल सिंह मुंडा, जिला सचिव जगन्नाथ महतो, प्रखंड अध्यक्ष गुरुचरण कर्मकार, विधानसभा प्रभारी मनमोहन सिंह उपस्थित थे। झारखंड के सभी 24 जिलों के 320 प्रखंडों में संगठन के विस्तार का काम लगातार चल रहा है। सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और हर जिले के प्रखंड अध्यक्षों में संगठन का विस्तार का काम जो चल रहा है, उसी के क्रम में आज चांडिल प्रखंड में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुचरण कर्मकार जी को यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष किया गया है और 15 दिनों के अंदर उनको निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यकारिणी का गठन करके आप स्वीकृति के लिए भेज दें जिला अध्यक्ष के पास में। और ये क्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और झारखंड के हर पूरे जिलों में, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हों, पावर सेक्टर में हों, टेक्सटाइल सेक्टर में हों, सीमेंट में काम करने वाले लोग हों, मनरेगा में काम करने वाले लोग हों, संविदा पर काम करने वाले लोग हों, अराजपत्रित कर्मचारी और लोकल बॉडीज इम्प्लाइज के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, वैसे तमाम लोगों को संगठन के साथ जोड़ने का लगातार काम चल रहा है और इसमें आशातीत सफलता हम लोगों को मिल रही है।